नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 विषय विज्ञान में पाठ 12 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 12 जिसका नाम है ध्वनि। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 182 पे जो भी प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। तो देखिए, ध्वनि संचरण करता है, जो ध्वनि जो चलती है वो विक्षोभ के कारण आगे बढ़ पाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, जब ध्वनि के कारण किसी माध्यम में कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है, विक्षोभ का मतलब जैसे कोई कण है यहाँ पे, अब ये किसी कारण, किसी तरंग के कारण क्या होता है, ये अपनी जगह से ऊपर नीचे या आगे पीछे ऐसे हिलने लगता है। ठीक है, ये कण जो होगा ये आगे जाएगा पीछे जाएगा, लेकिन अपनी ही जगह पे रह के थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। तो वही ऊपर नीचे होने के कारण उस तरंग में कुछ ना कुछ विक्षोभ आता है, उस कण में विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो यह विक्षोभ माध्यम के कणों में गति उत्पन्न करता है। अब यह कण क्या हुआ, आगे पीछे गया या ऊपर नीचे होगा, तो कण में क्या हुआ, थोड़ी सी गति तो आई ही आई। वो कण अपनी जगह छोड़ के कहीं और आगे नहीं बढ़ जाएगा, वो अपनी जगह पे रहेगा लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे या आगे पीछे गति करेगा, तो ये गति उत्पन्न कर देता है। ये कण अपने समीपवर्ती माध्यम के अन्य कणों में भी उसी प्रकार की गति उत्पन्न कर देते हैं। तो यह जो क्रिया होती है, इस प्रकार माध्यम के अन्य कणों से फैलती जाती है और विक्षोभ हमारे कानों तक पहुंच जाता है। और जब विक्षोभ हमारे कानों तक पहुंचता है तो हमारे कान उस ध्वनि को सुन पाते हैं, अगर वो सुनने योग्य है तो सुन पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उसी पेज पे अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे करती है, यानी जो स्कूल में हमारे बेल लगती है 1 2 3 ऐसे घंटी जो बजती है, वो जो ध्वनि होती है वो कैसे उत्पन्न होती है। तो ध्वनि उत्पन्न होने के क्या कारण है, ध्वनि उत्पन्न होने का कारण है जब हम किसी चीज़ को खरोंचते हैं, पीटते हैं, ठोकते हैं, यानी आघात करते हैं, या किसी तरह से रगड़ते हैं, गिराते हैं, यानी कोई ना कोई तरह का जब क्रिया होती है किसी वस्तु के साथ तो कंपन उत्पन्न होती है। जब वस्तु कंपित होती है तो वहां पे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये तरीका है ध्वनि उत्पन्न होने का। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। अब ध्वनि तरंगे जो होती है इनको यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं। देखिए, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वे संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ध्वनि तरंग को अगर चलना है तो उसको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है। जैसे हवा में है तो हवा एक माध्यम है ध्वनि के चलने के लिए। ध्वनि चलेगी हवा में तो हवा में जो मौजूद कण होंगे वो द्रव्यमान होगा उनके अंदर, और वो ऊपर नीचे या आगे पीछे की गति करते हैं, और गति के कारण फिर ध्वनि इस तरह से या इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, अगला देखते हैं। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हुए, क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे। नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिससे होकर ध्वनि आप अपनी गति कर सके। देखिए, ध्वनि को गत करने के लिए वायुमंडल, हवा चाहिए या कोई ना कोई माध्यम चाहिए। ठीक है, तो चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है तो हम क्या, जब वहाँ पे वायु नहीं है तो ध्वनि गति नहीं कर पाएगी, और गति नहीं कर पाएगी तो वहाँ पे कोई कुछ बोलेगा तो हमको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम चाहिए, और उस माध्यम में क्या होता है, जैसे वायु है तो वायु में कण होते हैं और कण कंपन करते हैं, तो कंपन करते हैं तो वो ध्वनि आगे बढ़ती रहती है, वो तरंग आगे बढ़ती है और हमको सुनाई देती है। तो क्या होगा, चंद्रमा पे हमको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। 186 पे देखते हैं प्रश्न जो है, तरंग की या तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है, प्रबलता या तारत्व। देखिए, प्रबलता क्या है, ध्वनि की प्रबलता कंपन का आयाम निर्धारित करती है। प्रबलता क्या होती है, देखिए ये है, मान लेते हैं ध्वनि है तो यहाँ पे प्रबलता क्या है, प्रबलता ये जो ऊंचाई है इसी को कहते हैं प्रबलता। ठीक है, इसी को प्रबलता कहते हैं। जितनी ज़्यादा प्रबलता होगी, प्रबलता यहाँ से निर्धारित होती है, प्रबलता निर्धारित होती है, इसको हम कहते हैं आयाम।
थोड़ा सा, इस चीज को हम कहते हैं आयाम, और आयाम ही निर्धारित करता है क्या, प्रबलता को। ठीक है, आयाम निर्धारित करता है प्रबलता को। जितना ज्यादा आयाम होगा ध्वनि उतनी ज्यादा प्रबल होगी, और जितना कम आयाम होगा उतनी प्रबलता कम होती जाएगी। अगला तारत्व है, ध्वनि का तारत्व कंपन की आवृत्ति निर्धारित करता है। अब आवृत्ति क्या होता है देख लीजिए, जो तारत्व होता है जिसको पिच कहते हैं, जैसे कोई ध्वनि है, अब ये जितने साइकिल इसमें चले हैं, जितनी बार एक साइकिल पूरी हो रही है इसकी, ये क्या है, ये इसकी आवृत्ति है। ठीक है, तो कंपन जो है, तारत्व कंपन जो है, ये आवृत्ति निर्धारित करता है। ठीक है, पिच कितनी है, आवृत्ति के कारण ही पिच घटती है बढ़ती है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी, जो तारत्व है उतना ज़्यादा होगा। यानी अगर फ्रिक्वेंसी हाई है तो जो तारत्व है हमारा ये भी हाई होगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी लो है यानी फ्रिक्वेंसी कम है तो तारत्व भी कम होगा। चलिए अगला देखते हैं, अनुमान लगाइए कि निम्नलिखित में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है, गिटार का या कार के हार्न का। अधिक तारत्व का मतलब होता है पिच, कोई आवाज़ कितनी पतली है, कह सकते हैं कोई आवाज़ कितनी पतली है उसको हम कहते हैं अधिक तारत्व वाली ध्वनि। तो कार के हॉर्न और गिटार में अगर हम कंपैरिजन करने, तुलना करें, तो गिटार की जो ध्वनि होती है वो कार के हॉर्न से पतली होती है। तो यहाँ पे गिटार की जो ध्वनि होगी इसका तारत्व या पिच अधिक होगा। आगे देखते हैं, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य आवृत्ति आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है। तो चलिए देखते हैं, तरंग दैर्ध्य क्या होती है यानी वेवलेंथ, किन्हीं दो निकटतम श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को एक दोलन पूरा करने में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई तरंग है ऐसे चल रही है, तो इससे इसके बीच की जो दूरी है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है, इसी को हम कहते हैं वेवलेंथ, जिसको हम लेमडा से दर्शित करते हैं। आगे आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति एक सेकंड में दोलनी की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब एक सेकंड में कितने दोलन हुए उसको हम कहते हैं आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी, यानी कोई तरंग एक सेकंड में कितने बार ये पूरा करती है साइकिल को, यहाँ से चली, यहाँ पे आई, यहाँ गई, तो ये साइकिल कितनी बार पूरा हुआ एक सेकंड में, इसी को कहते हैं आवृत्ति। इसके बाद अगला देखते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। अब एक दोलन जब पूरा होता है, जैसे कोई तरंग यहाँ से चली और यहाँ पे पहुँची, ठीक है, तो एक दोलन जब पूरा हो जाता है तो इसको हम कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है, एक दोलन पूरा होने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। इसके बाद आयाम, आयाम मैंने अभी आपको बताया, किसी तरंग के संचरण के माध्यम के कणों का संतुलन या मध्यमान, अधिकतम मध्यमान या जो भी कम हो या अधिकतम हो, ठीक है, तो किसी कण का जो अधिकतम विस्थापन होता है उसी को आयाम कहते हैं। जैसे ये तरंग है, तो इस तरंग में किसी कण का जो अधिकतम विस्थापन है, तो यहाँ पे एक कण है जिसका विस्थापन सबसे अधिक है, सबसे ऊंचाई पे है, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं आयाम। ठीक है, तो ये अधिकतम विस्थापन ही उस तरंग का या उस कण का आयाम है। चलिए, तो ये आयाम हो गया। अब इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तो जो तरंग का फार्मूला होता है, तरंग का जो वेग होता है वो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का गुणनफल होता है। इसको हम फार्मूले से दर्शित करते हैं, v=νλ। ठीक है, यहाँ तरंग दैर्ध्य लेमडा है और आवृत्ति एन है, यहाँ पे एन लिखा है, ये आवृत्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 बीट्स हर्ज है तथा वेग 440 मीटर पर सेकेंड है, इस तरंग की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो जो फार्मूला है उसी फार्मूले में हम सारा मान रख देंगे, मान हमको दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दिया है 220 हर्ट्ज, ध्वनि की चाल दी है v = 440 मीटर पर सेकेंड, ध्वनि
जो तरंग दैर्ध्य है वो हमको निकालना है, यानी लेमडा निकालना है। तो इस फार्मूले में हम मान रखेंगे, तो मान रखने के पे हमारा क्या आएगा, वी बराबर 440 है और फ्रीक्वेंसी हमारी 220 है, तो भाग करेंगे तो हमारा 2 मीटर आ जाएगा तरंग दैर्ध्य, ठीक है, यानी लेमडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति 500 हर्ट्ज की ध्वनि को सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा? चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए ध्वनि तरंग की आवृत्ति यहाँ, यानी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हमको दी है 500 हर्ट्ज, स्रोत से दूरी दी है 450 मीटर। अब लगातार संपीड़न जो है उनके बीच में जो दूरी है उसको, उसमें जो समय है वही निकालना है हमारा यहाँ पे। तो क्या होता है, आवर्तकाल बराबर जो होता है वो होता है 1/आवृत्ति, आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति, ठीक है, यानी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं टी बराबर 1/फ्रीक्वेंसी, एन 1/n का मतलब फ्रीक्वेंसी, एन फ्रीक्वेंसी होती है। तो टी बराबर 1/500, जिसको हम लिख सकते हैं 0.02 सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो आया 0.02 सेकेंड, ये क्या है, व्यक्ति तक पहुँचने वाले दो लगातार संपीड़नों के बीच लगा समय 0.02 सेकेंड होगा, ठीक है, ये तो है, ये दो है, दो लगातार संपीड़नों के बीच लगा समय, ये आ गया हमारा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। तीव्रता और प्रबलता में अंतर क्या है ध्वनि की, देखिए प्रबलता मैंने आपको बताई, तीव्रता क्या होती है, देखिए किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, यानी कोई इकाई क्षेत्रफल है, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा यानी ध्वनि ऊर्जा गुजरती है उसी को तीव्रता कहते हैं। प्रबलता क्या है, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। उदाहरण के लिए दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती हैं, परंतु हम एक दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि को सुन सकते हैं। जैसे कि अब देखिए कोई ध्वनि है, जैसे किसी कमरे में तबला भी बजता है और गिटार भी बजता है, ठीक है, और हम दोनों की ध्वनियों में अंतर कर पाते हैं क्योंकि दोनों की जो प्रबलता है यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम हो सकती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है लेकिन आयाम अलग अलग होगा, ठीक है, आयाम जो, अगर प्रबलता अलग है तो आयाम अलग अलग होगा, समान आवृत्ति की ध्वनियों की प्रबलता अलग अलग हो सकती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका जो आयाम है अगर वो अलग हो गया तो भले आवृत्ति समान है लेकिन एम्पलीट्यूड यानी आयाम अलग है तो प्रबलता अलग हो जाएगी, समान आवृत्ति होने के बावजूद भी प्रबलता अलग हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 189 पे जो प्रश्न है, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकेंड के पश्चात सुनाई देती है, यानी कोई ध्वनि है वो रिटर्न होके कहीं से परावर्तित होके 3 सेकेंड के बाद सुनाई देती है, यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकेंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी होगी। चलिए तो ये दूरी निकाल ली हमको, ध्वनि की चाल दी हुई है हमको 342 मीटर पर सेकेंड, परावर्तक सतह से दूरी निकाल डी है मान लेते हैं, तो ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी 2D हो जाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ से इस माइक से मान लीजिए आवाज़ निकली और यहाँ पे कोई शीशा है या कोई दीवार है वहाँ तक आवाज़ गई और वापस आई, तो जाने के लिए मानते हैं दूरी D है, तो ध्वनि जाएगी और वापस आएगी भी, तो जाने के लिए D और आने के लिए भी D, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2D, ठीक है, तो 2D हो गया, पूरी कुल चली हुई दूरी 2D हो गई। इसके बाद ध्वनि द्वारा 2D दूरी तय करने में लिया गया समय 3 सेकेंड हमको दिया हुआ है। चलिए तो इसको रखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय फार्मूले में, चाल बराबर दूरी बटा समय है, यहाँ पे सारा मान रखेंगे, तो मान रखने के बाद जब हल करेंगे तो हमारा 513 मीटर आएगा। अब ये हमारा आ गया D, यानी एक तरफ की दूरी। चलिए एक तरफ की दूरी का मतलब कि यहाँ से ध्वनि जो निकली है और जहाँ से लड़के वापस आई है इसकी दूरी 513 मीटर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पेज नंबर 190 पे। कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती हैं? अब कंसर्ट हॉल होता है, कंसर्ट हॉल मतलब होता है जहाँ पे लोग मीटिंग करते हैं या कोई स्पीच होती है, कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हो और कोई एक इंसान माइक पे खड़ा होकर बोल रहा हो, ठीक है। तो वहाँ पे छतें अक्सर आपने देखी होगी, कमरे की छतें ऐसे वक्राकार होती हैं, बाकी ऐसे सब यहाँ पे कुर्सी लगा के ऐसे बैठे होते हैं और यहाँ पे कोई इंसान ऐसे बोल रहा होता है, ठीक है। ये वक्राकार होती है क्यों? क्योंकि जब ध्वनि ऐसे जाए तो ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाए, फिर ऐसे जाए फिर रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाए, यानी जो लोग नीचे बैठे हैं उनको ध्वनि परावर्तित होके साफ तौर पे सुनाई दे। तो इसलिए जो कंसर्ट हॉल की छतें होती हैं वो वक्राकार होती हैं, ताकि समान रूप से सबको आवाज़ अच्छे से सुनाई दे ध्वनि के परावर्तन के बाद। चलिए आगे देखते हैं 191 पे क्वेश्चन जो है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? तो इसकी रेंज जो है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए जो श्रव्यता का परिसर है यानी जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। तो 20,000 हर्ट्ज को हम 20 KHz भी लिखते हैं, 20 किलो हर्ट्ज जिसको हम पढ़ते हैं, तो ये रेंज है। इसके बाद निम्नलिखित में से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या है? तो अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। तो अपश्रव्य का मतलब 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको अपश्रव्य कहते हैं, और पराध्वनि का मतलब कि जिसकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक हो उसको हम पराध्वनि कहते हैं, ठीक है, पराश्रव्य या पराध्वनि कहते हैं। इसके बाद 193 पे जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। एक पनडुब्बी सोनार स्पंदन उत्सर्जित करती है जो पानी के अंदर एक खड़ी चट्टान से टकराकर 1.02 सेकंड के पश्चात वापस लौटती है, यानी कोई पनडुब्बी है ऐसे और ये पानी में कोई चट्टान है यहाँ पे ऐसे पहाड़, इस ध्वनि को यहाँ भेजती है और यहाँ से ये ध्वनि वापस इस पनडुब्बी तक आती है कितनी देर में? 1.02 सेकंड में, ठीक है। टकराने के बाद पानी के अंदर चट्टान है, चट्टान से टकराकर 1.02 सेकंड के पश्चात वापस लौटती है। यदि खारे पानी में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड हो तो चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ चट्टान की दूरी ज्ञात करनी है पनडुब्बी से। हमको दिया क्या क्या है, समय दिया है 1.02 सेकंड, खारे जल में ध्वनि का वेग दिया है वी बराबर दिया हुआ है, सोनार पल्स की चाल 2D होती है, जो दूरी हो गई क्या हो गई 2D हो गई, एक तरफ से जाएगी तो वापस भी तो जाएगी, तो एक तरफ से डी है तो दूसरी तरफ से 2D हो जाएगी, तो चट्टान की दूरी क्या होगी डी, यानी वन साइड से अगर जहाज़ और चट्टान की बात करें तो दूरी दोनों के बीच डी है। तो 2D बराबर यहाँ पे हमारा चाल गुड़े समय हो गया, दूरी बराबर चाल गुड़े समय होता है। अब डी की जगह हम 2D रख देंगे क्योंकि 1DA और 1D यानी एक तरफ से ध्वनि आने में और एक तरफ से ध्वनि जाने में, तो दोनों दूरी मिला के 2D हो गया। यहाँ पे रख के हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया कितना 1561.62 मीटर। तो ये 2D का मान आया, तो D का मान क्या हो जाएगा, D का मान इसका आधा हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे, इसमें 2 से हम इसमें भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 780.8, लगभग 780.8 मीटर, ये लगभग आ जाएगा हमारा उत्तर, इतनी दूरी होगी, ठीक है। चलिए अब अभ्यास प्रश्न जो है हमारे उसको हल करते हैं। ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है, ये चीज़ हमने पहले ही देखी। ध्वनि क्या है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी संवेदना हमारे कानों में महसूस होती है, ठीक है, हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है जिससे हम ध्वनि को समझ पाते हैं। ये उत्पन्न कैसी होती है, तो खरोच से या आघात से, ठोकने पीटने या हॉर्न से, इन सभी से जब किसी माध्यम में तरंगे उत्पन्न होती हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए अब यहाँ आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न तथा विरलन कैसे होती है। अब देखिए संपीड़न और विरलन कैसे होता है, ये एक सामान है, इसको हम अगर कहीं ठोंकते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कंपन होगा, इसके अगल बगल के कड़ के में कंपन होना शुरू हो जाएगा। तो
जब वायु का दाब ज़्यादा होता है तो ये कंप्रेस्ड हो जाते हैं, ये कण पास पास में कंपन करते हैं। लेकिन जैसे ही वायु का दाब कम होने लगता है तो ये कण दूर दूर कंपन करने लगते हैं, कण दूर दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर एक समय आता है कि ये कण पास पास रह के फिर कंपन करने लगते हैं। तो इसी को हम कहते हैं संपीड़न, जो सी है इसको संपीड़न कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक श्रृंखला बनती जाती है संपीड़न की और विरलन की। देखिए यहाँ पे ध्वनि सबसे अधिक हवा के माध्यम में गमन करती है, हवा में ही सारा आवाज हमको सुनाई देता है। जो कंपित वस्तु जब आगे बढ़ती है तो वह अपने सामने आने वाली हवा पर बल लगाकर उसे संपीड़ित करती है, यानी जब कंपन होगा तो वो हवा के में जो कण होंगे उनको उन पे दबाव डालती है, तो वो कण पास पास में आ जाते हैं, तो दबाव अधिक हो जाता है जिससे कि उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र संपीड़न कहलाता है, ठीक है। यह क्षेत्र कंपित वस्तु से दूर जाने लगता है तथा कंपित वस्तु पीछे की ओर हटती है। अब जब ये आगे की ओर बढ़ते हैं यानी दूर जाने लगते हैं तो हवा जो है वो पीछे की तरफ हटती है जिससे निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, और इस क्षेत्र को हम कहते हैं विरलन क्षेत्र, ठीक है, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रयोग से यह दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता है। देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक प्रयोग किया है। ये प्रयोग आप देखिए, यहाँ पे एक जार हमने लिया, ठीक, एक जार, और इसमें एक पाइप लगा दिया जिससे हम इस जार के अंदर है जो हवा वो धीरे धीरे निकालेंगे। इसके अंदर एक घंटी लगा दी हमने और यहाँ से इसको बिजली से जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बिजली का बटन ऑन करेंगे और इसको बजाएंगे, तो आप देखेंगे कि इस जार में घंटी बजेगी और हमको सुनाई देगा। और धीरे धीरे क्या करेंगे, स्विच ऑन रहने देंगे, स्विच ऑन रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, घंटी बजती रहेगी लगातार। और धीरे धीरे जो निर्वात वाला पंप है हमारा, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे हमने क्या लगाया है, निर्वात पंप, वैक्यूम पंप, ये धीरे धीरे इस डब्बे की, इस जार में जो भी हवा है इसको धीरे धीरे बाहर निकालता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि सारी हवा ये पंप बाहर निकाल देगा, और आप देखेंगे जैसे जैसे हवा बाहर निकलेगी आपको घंटी की आवाज़ धीरे धीरे कम होती महसूस होगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब इस जार से सारी हवा निकल जाएगी तो आपको घंटी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इसको हम कहते हैं बेल जार, ठीक है। तो इससे आप ये महसूस कर पाएंगे या ये जान पाएंगे कि ध्वनि के संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी किसी न किसी ऐसे माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए, होती है ध्वनि के लिए, कि जहाँ पे ध्वनि की तरंगे ट्रेवल कर सकें, चल सकें, ठीक है, तभी हमको ध्वनि सुनाई देगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये अनुदैर्ध्य क्यों है। ध्वनि तरंगें द्रव्यात्मक माध्यम में ही संचरित होती हैं, ये तरंगें संपीड़न तथा विरलन की सहायता से द्रव्यात्मक माध्यम में संचरित होती हैं। इन तरंगों के संचरण के माध्यम में कण ध्वनि संचरण की दिशा में ही अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। अब जो अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है कि जो कण होते हैं वो ध्वनि की दिशा में ही कंपन करते हैं, यानी ध्वनि की दिशा में ही इनका जो विस्थापन होता है वो होता है, विस्थापन का थोड़ा सा विस्थापन करते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी जगह से खिसक के कहीं और ही चले गए, ऐसा नहीं, थोड़ा सा विस्थापन होता है, लेकिन जिस दिशा में तरंग चलती है उसी दिशा में इनका भी विस्थापन होता है। तो क्योंकि माध्यम के कण की कंपन की दिशा ध्वनि के तरंगों के संचरण की दिशा के अनुदिश होती है या समानांतर होती है, तो इसलिए ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। यानी मान लीजिए तरंग ऐसे चल रही है, तो तरंग की दिशा क्या है, तरंग की दिशा तो ये है ना, ऐसे ऐसे ही तो चल रही है ना, आगे बढ़ रही है, तो इसमें जो कण हैं वो कण क्या हैं, कण भी ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, आगे पीछे ही तो गति कर रहे हैं, तो आगे पीछे गति करने का मतलब, आगे बढ़ने का मतलब कि आगे पीछे गति कर रहे हैं, आगे पीछे गति करने का मतलब तरंग इस दिशा में है और कण भी आगे पीछे ऐसे गति कर रहे हैं, तो दोनों समानांतर हो गए। तो ऐसी तरंगे जहाँ पे ध्वनि तरंगे और कण समानांतर गति करते हैं तो वहाँ पे उन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम ध्वनि तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं,
अगला प्रश्न, ध्वनि का कौन सा विलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है? यानी आपका मित्र अगर अंधेरे कमरे में बैठा है और आप भी अंधेरे कमरे में बैठे हैं, 3-4 लोग बैठे हैं, तो आपका मित्र अगर बोलता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो आवाज़ जो है वो आपकी मित्र की है? तो इसका कारण क्या है, ये हम कैसे पहचान पाएंगे? तो ध्वनि की गुणता, इसके कारण ही हम अपने जो आप हैं आप अपने मित्र की आवाज़ पहचान पाएंगे बिना उसे देखे, आप उसकी आवाज़ सुन के ही आप पहचान जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। तड़ित की चमक तथा गर्जन के साथ साथ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो तड़ित यानी बिजली जो चमकती है वो क्या है? बिजली चमकती है तो वहाँ पे गर्जना जो है उसकी, यानी जो उसकी आवाज़ होती है वो हमें चमक और गर्जन दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं। लेकिन चमक हमें दिखाई देती है उसके कुछ समय पश्चात ही जो गर्जन है, गर्जना है उसकी, वो सुनाई देती है। ऐसा क्यों है? देखिए इसका कारण क्या है, दोनों की चाल में अंतर है बस इसी कारण से। जो प्रकाश की चाल है ये बहुत ही ज़्यादा होती है और ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो प्रकाश की चाल ज़्यादा होने के कारण यह हम तक पहले पहुँच जाती है और जो ध्वनि की चाल प्रकाश से कम होती है इसीलिए ध्वनि हमको बाद में सुनाई देती है। ठीक है, कुछ सेकंड का ही अंतर होता है तो थोड़ा सा बाद में सुनाई देता है, तो यही कारण है। अगला देखिए, किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है, इन दोनों आवृत्तियों की मध्य ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे हमको दिया क्या है, आवृत्ति दी हुई है 20 हर्ट्ज, ध्वनि में जो वेग है वो 344 मीटर पर सेकंड दिया है, फॉर्मूला हमको पता है, वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। तो इस फार्मूले में हम मान रख देंगे, मान रखेंगे तो हमको 17.2 मीटर मिल जाएगा हमारा मान। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, हम निकालेंगे आवृत्ति दी हुई है, अब यहाँ पे हम 20 किलो हर्ट्ज रखेंगे, पहली बार हमने 20 हर्ट्ज रखा था, अब 20 किलो हर्ट्ज रखेंगे, 20 किलो हर्ट्ज का मतलब 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ध्वनि का वेग वही रहेगा, फिर फार्मूले में वही मान रखेंगे, तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, 344 बटे 20,000। अब इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.017 मीटर। चलिए, तो जो छोटी तरंग छोटी फ्रीक्वेंसी और बड़ी फ्रीक्वेंसी पे जो व्यक्ति का औसत परास है, श्रव्य परास, वो अलग अलग है। आपने देखा यहाँ पे जो 20 हर्ट्ज पे है वो 17.2 मीटर है और जो 20 किलो हर्ट्ज पे है वो 0.017 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो बालक किसी एल्युमिनियम के पाइप के दो सिरों पर हैं, यानी एक एल्युमिनियम का पाइप है तो दोनों बालक एक एक सिरे पे हैं, एक बालक पाइप के एक सिरे पर पत्थर से आघात करता है, दूसरे सिरे पर स्थित बालक तक वायु तथा एल्युमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों द्वारा दिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी एक तरफ से बालक क्या करता है, पाइप के मुँह पर पत्थर से ठोकता है, तो दूसरी तरफ वो जो आवाज़ पहुँचती है, ठीक है, उसमें ध्वनि तरंगों द्वारा लिया गया जो समय है उसका अनुपात बताना है यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे, अब मान लेते हैं जो छड़ की लंबाई हमको दी नहीं है, तो x मीटर हमने मान लिया, वायु से होकर जाने के लिए जो ध्वनि द्वारा लिया गया समय होगा t1 है। ठीक, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो x मीटर बटे 346 मीटर पर सेकेंड, मानते हैं जो चाल है ध्वनि की वो 346 मीटर पर सेकेंड है। एल्युमिनियम से होकर आने वाली ध्वनि द्वारा लिया गया समय, तो यहाँ पे t2 बराबर x मीटर बटे 6420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 6420 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसके बाद यहाँ पे t1 बटे t2 करेंगे, तो t1 बटे t2 जब करेंगे, देखिए अब यहाँ जो 6420 मीटर पर सेकेंड है ये चाल जो है ये है एल्युमिनियम के अंदर। ठीक है, एल्युमिनियम में जो ध्वनि की चाल होती है वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, 6420 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरी बार में ये 6420 मीटर पर सेकेंड यही है एल्युमिनियम के अंदर जो चाल है ध्वनि की,
ये तो हमारे ध्वनि हवा के अंदर है 346 मीटर पर सेकंड, और जो ये 6420 है ये एल्युमिनियम के अंदर है, ठीक है, ये एयर के अंदर है और ये हमारा एल्युमिनियम के अंदर है। चलिए तो अब T1/T2 हमको अनुपात निकालना है, तो T1/T2 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1855, ठीक है। तो वायु में दिया गया समय, ठीक है, और अनुपात एल्युमिनियम में दिया गया समय, तो T1/T2 तो 18.55:1 हो जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। अब आवृत्ति अगर 100 हर्ट्ज है तो समय 1 मिनट है, 1 मिनट में पूछ रहा है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अब 60 सेकंड है तो कंपनों की संख्या क्या होती है, कंपनों की संख्या होती है आवृत्ति गुणे समय, तो 100 गुणे 60 सेकंड और ये हो जाएगा 6000 कंपन। यानी अगर किसी जो कोई आवृत्ति है, कोई फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज की है और पूछा जाए 60 सेकंड में कितने कंपन करती है, तो 60 से उस फ्रिक्वेंसी में गुणा कर देंगे और हमें कंपनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। क्या ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका की प्रकाश तरंगे करती हैं। तो ये सही बात है, ध्वनि तरंगे जो हैं वो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम होते हैं उन सभी का पालन करती है, ठीक है। बस इतना है कि प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बस इतना अंतर है। बाकी परावर्तन का जो भी नियम है वो सारे नियम जो प्रकाश में लागू होते हैं वही ध्वनि में भी लागू होते हैं। अगला देखते हैं। ध्वनि का एक स्रोत किस परावर्तक सतह के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देता है। यदि स्रोत तथा परावर्तक सतह की दूरी स्थिर रहे तो किस दिन प्रतिध्वनि अति शीघ्र सुनाई देगा, जिस दिन तापमान अधिक होगा, जिस दिन तापमान कम होगा। अब देखिए ध्वनि पर ताप का भी बहुत अधिक प्रभाव होता है। अब तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ेगी, तीव्रता का मतलब शीघ्रता बढ़ेगी, ध्वनि हमको जल्दी सुनाई देगी, यानी ताप ज़्यादा है तो उस गर्म तापमान में ध्वनि तेजी से चलती है और कम तापमान में ध्वनि धीमे चलती है। तो प्रश्न के हिसाब से जो पहला ऑप्शन है कि जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ पे ध्वनि शीघ्रता से सुनाई देगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यावहारिक उपयोग। तो देखिए ध्वनि तरंगों के परावर्तन का सबसे पहला व्यावहारिक उपयोग है हमारा मेगाफोन या हार्न, ठीक है, जैसे जो शहनाई बजती है, आपने लाउड स्पीकर देखे होंगे, वो सब क्या है, मेगा ध्वनि परावर्तन का एक उपयोग है कहेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा उपयोग हम कह सकते हैं कंसर्ट हॉल जो होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कंसर्ट हॉल में जो मीटिंग हॉल होते हैं, सम्मेलन कक्ष जिसको कहा जाता है, ऐसे एक सम्मेलन कक्ष होता है, यहाँ पे लोग ऐसे कुछ बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग, मीटिंग होती है, यहाँ पे एक इंसान ऐसे खड़ा रहता है और ये माइक लेके बोलता है, लेकिन इस कंसर्ट हॉल में जो छत होती है वो कर्व होती है ताकि ये जो बोले तो ध्वनि जैसे ही छत में लड़े तो ये इनकी सर की तरफ आती जाए, ठीक है, जिससे इन लोगों को बातें जो हैं वो और अच्छे से सुनाई दें। तो ये दूसरा उपयोग है ध्वनि के परावर्तन का। तो दो उपयोग ये हो गए आपके, एक मेगाफोन और एक कंसर्ट हॉल। अगला प्रश्न देखिए। 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है, पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा जो ध्वनि की चाल है 340 मीटर पर सेकंड यहाँ पे दी हुई है। चलिए निकालते हैं ध्वनि कब सुनाई देगी। मीनार की ऊंचाई यहाँ पे दी हुई है 500 मीटर, पत्थर का आरंभिक वेग यानी u = 0 होगा, और समय निकालना है तो समय t मान लेते हैं, s = ut + 1/2 gt² फार्मूला है, इस फार्मूले में सारा मान रखेंगे, t का मान आ जाएगा हमारा 10 सेकेंड। देखिए मान रखना और उसको हल करना, मैं मानता हूँ आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो आपको इतना आता होगा, ठीक है।
सारे मान दिए हुए हैं और उसको हल कर दिया हमने, तो टी बराबर हमारा 10 सेकेंड आ गया। इसके बाद ध्वनि की चाल हमारी जो है 340 मीटर पर सेकेंड है और चली गई दूरी 500 मीटर ही है। ध्वनि द्वारा लिया गया समय टी है यहाँ पे, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। चाल बराबर दूरी बटा समय, यहाँ टी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 500 बटे 340, 1.47 सेकेंड ये आ गया। अब जो पूरा समय होगा, टोटल समय, वो क्या होगा, देखिए पत्थर द्वारा पानी की सतह तक पहुंचने में लिया गया समय तथा ध्वनि द्वारा मीनार की चोटी तक पहुंचने में लिया गया समय क्या होगा। पत्थर सतह तक आया तो 10 सेकंड लगा, अब ध्वनि मीनार की चोटी तक जब पहुंचेगी तो 1.47 सेकंड लगेगा, तो टोटल समय हमारा हो गया 11.47 सेकंड। यानी ध्वनि जो है वो चोटी पर 11.47 सेकंड बाद सुनाई देगी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, और क्या यह श्रव्य होगी कि नहीं, यानी हम सुन सकते हैं इसको कि नहीं सुन सकते। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या निकालनी है, आवृत्ति। आवृत्ति निकालेंगे जब हमको ये पता चलेगा कि इसकी आवृत्ति कितनी है, तभी हम निर्धारित कर पाएंगे कि ये ध्वनि हम सुन सकते हैं कि नहीं। चलिए तो आवृत्ति कैसे निकलेगी, हमको तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है और हमको वेग दिया हुआ है, तो लेमडा हम आराम से निकाल लेंगे। वी बराबर दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, सॉरी लेमडा दिया हुआ है, हमको आवृत्ति निकालना है, तो वी बराबर आवृत्ति गुणे लेमडा, यानी वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, ये होता है फार्मूला। इसमें हम मान रखेंगे तो हमारा 22,600 हर्ट्ज जाएगा, और हमको पता है कि हम 20 हर्ट्ज से ले के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ही ध्वनि सुन सकते हैं। अब ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है इसका मान, यानी ये एक पराश्रव्य ध्वनि है जो कि हम अपने कानों से नहीं सुन सकते। अगला प्रश्न देखिए, अनुरणन क्या है, देखिए अनुरणन क्या है इसको समझते हैं। अनुरणन किसी बड़े हाल में जैसे सम्मेलन कक्ष होता है, सिनेमा हॉल आदि में स्रोत से उत्पन्न ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है, जब तक कि यह ध्वनि इतनी कम ना हो जाए कि सुनाई ही ना पड़े। यानी कोई कमरा है, खाली कमरा, आप उसमें बैठे हैं और आप बोल रहे हैं, तो आप अक्सर महसूस करेंगे कि उसमें आपकी आवाज गूंजती है, ठीक है, तो वो जो गूंजना होता है वही अनुरणन कहलाता है। बार बार वो दीवारों से ध्वनि टकराती है और आप तक आती है, इसलिए वो परावर्तित होती रहती हैं और उसको हम कहते हैं अनुरणन। या बारंबार ध्वनि का परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होकर होता है तथा ध्वनि अस्पष्ट सुनाई नहीं देती, इसको हम कहते हैं अनुरणन, ठीक है। चलिए अब इसको कम करने का इलाज क्या है, आप फाइबर बोर्ड लगा दीजिए, थर्माकोल का इस्तेमाल करिए अपनी दीवारों पर, या ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करिए कि जो ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लें, सोख लें, ठीक है, अवशोषित कर लें, तो ये जो अनुरणन है ये कम हो जाएगा। जैसे सिनेमा घरों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर दीवारों पर थर्माकोल लगाए जाते हैं और उनमें छेद भी होल कर दिए जाते हैं, जिससे कि वो जो आवाज़ है वो उसी में जो परावर्तन होता है, सॉरी जो परावर्तन होता है वो परावर्तन हो ना पाए, कोई ध्वनि जैसे ही दीवार से टकराए तो वो थर्माकोल में जो छेद हैं वो उस ध्वनि को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, अवशोषित कर लें, और वो फिर वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती, तो वहाँ पे अनुरणन जो होता है वो नहीं हो पाता। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए ध्वनि की प्रबलता मैंने आपको पहले भी बताया, ध्वनि की प्रबलता हमारे जो कान हैं वो ध्वनि की प्रबलता पहचानते हैं, हर वस्तु की जो प्रबलता है वो कितनी कितना तेज है, ठीक है, कितनी प्रबल ध्वनि है। देखिए जितनी प्रबल ध्वनि होगी वो उतनी दूर तक सुनाई देगी। देखिए प्रबलता का सीधा सा मतलब है जितना प्रबल ध्वनि होगा वो उतनी दूर तक सुनाई देगी। प्रबलता निर्भर करता है किस पे, प्रबलता निर्भर करता है ध्वनि के आयाम पे, तरंग के आयाम पे। जितना ज़्यादा आयाम होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आयाम होगा उतना ज़्यादा
प्रबल होगा ध्वनि, और जितना कम आयाम होगा उसकी प्रबलता उतनी कम होगी। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रबलता है वो निर्भर करती है आयाम पर। बाकी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं। जो कोर पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, वो मैं आपको यहां पे समझाता चल रहा हूं। चलिए, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए। यदि जो ध्वनि तरंग है वो स्रोत से दूर जाती है तो इसका आयाम कम होता जाएगा, ठीक है, जिससे उसकी प्रबलता भी कम होती जाएगी। जैसे आपने देखा, आयाम जब कम होता है तो क्या होता है, प्रबलता भी कम होती जाती है। आयाम ज़्यादा होगा तो प्रबलता बढ़ेगी, और आयाम कम होगा तो प्रबलता घटेगी। अब कोई तरंग चलती जाएगी तो धीरे धीरे इसका आयाम कम होता जाएगा, ठीक है, आयाम कम होता जाएगा तो प्रबलता कम होती जाएगी। चलिए, इसलिए बहुत ऐसा होता है ना, बहुत दूर तक हम बहुत दूर खड़े हैं और कोई दूर से चिल्ला रहा है तो हमको कभी कभी साफ सुनाई नहीं देता। वो यही कारण है कि वो जहाँ से बोल रहा है वहाँ से तो उसने प्रबलता बहुत लगाई है, ठीक है, आयाम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारी दूरी की वजह से वो आयाम कम होता जाता है और हम तक वो आवाज़ अच्छे से पहुँच नहीं पाती, इसीलिए आवाज़ हमको धीमी सुनाई पड़ती है, ठीक है। चलिए, ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा में कमी आती है। ध्वनि क्या है, ध्वनि एक तरह की ऊर्जा है, तो जाहिर सी बात है ऊर्जा में कमी तो आएगी ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है। तेज क्या होता है, चमगादड़ क्या है, एक दृष्टिहीन प्राणी है, दृष्टिहीन जीव है, उसके पास आंखें तो होती नहीं। करता क्या है, शिकार पकड़ने के लिए करते हैं पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। चमगादड़ वास्तव में दृष्टिहीन होता है। उड़ान के समय चमगादड़ उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगे अल्प समय अंतराल में क्रमबद्ध तरीके से उत्सर्जित करता है, यानी छोड़ता है। ये तरंगे आपस आसपास के कीड़ों से टकराकर परावर्तित होती हैं और वापस चमगादड़ के कानों तक पहुंचती हैं। परावर्तित तरंगों की प्रकृति के आधार पर चमगादड़ कीटों की उपस्थिति या किसी भी वस्तु की उपस्थिति का पता लगा लेता है और अपनी इच्छा अनुसार उन्हें पकड़ता है या उनसे बच के निकल जाता है। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग अपने शिकार तथा कीटों को पकड़ने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। देखिए, अब वस्तुओं को ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए कैसे उपयोग करते हैं। पराध्वनि का उपयोग किसी वस्तु के उन भाग को साफ करने के लिए किया जाता है जहाँ तक पहुँचना कठिन होता है, जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचते या उसको हम अच्छे से साफ नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हम पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शिल्पकार नील विषम आकार के पुर्जों तथा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों आदि में। जिन वस्तु को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले अपमार्जक विलयन में रखते हैं और इस विलयन में पराध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी कण जो है अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतया साफ हो जाती है। किसी वस्तु के बीच में कोई खराबी है, अगर कहीं छेद है या क्रैक है, उसको भी हम पराध्वनि से ही पता करते हैं। जैसे ही कहीं पे कोई डिफेक्ट होता है तो पराध्वनि वहीं से वापस हो जाती है, इस तरफ नहीं निकलती। अगर कहीं डिफेक्ट है, ठीक है, तो इस तरफ नहीं निकलेगी, बाकी जगह से तो निकल जाएगी। तो इस तरह से हम किसी वस्तु के अंदर अगर कोई खराबी है तो उसको भी हम पता कर पाते हैं पराध्वनि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोनार क्या है, इसकी कार्यविधि या उपयोग क्या है। सोनार वास्तव में इसका जो नाम है, इसका नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। करता क्या है, इसका उपयोग क्या है, पहले देख लेते हैं। ध्वनि द्वारा संचालन तथा परिसर निर्धारण करना है इसका काम। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग कर जल में स्थित अदृश्य पिंडों जैसे पनडुब्बियों, जहाज, चट्टानों तथा समुद्र की गहराई आदि के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। तो ये तो इसका उपयोग हो गया सोनार का। कार्यप्रणाली कैसी है, कार्य कैसे करते हैं, देखिए, एक ये जहाज है या पनडुब्बी है, इसके नीचे एक ट्रांसमीटर लगा होता है। जब इसको पता करना होता है अपनी तली में क्या है, कोई पहाड़ क्या है, कितनी गहराई में हम, जो हमारा तल है जहाँ पे जहाज खड़ा है उसके नीचे कितनी गहराई है, तो उसके लिए ये एक सिग्नल छोड़ते हैं, ठीक है, ये एक सिग्नल नीचे छोड़ते हैं। जैसे ये तल से टकराता है, टकराने के बाद ये सिग्नल फिर से रिसीवर के पास वापस जाता है। तो जब ये ऊपर से नीचे आया तो इसकी दूरी डी थी, ठीक, और नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी दूरी डी होगी, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2D,
ठीक है। तो ध्वनि द्वारा, पराश्रव्य ध्वनि द्वारा टोटल चली गई दूरी जो है 2D हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूरी जब हमको पता होती है कि टोटल दूरी 2D है, और हमको क्या पता है, पराश्रव्य ध्वनि की चाल पता है पानी में, आने और जाने में कितना समय लगा ये हमको पता चल जाता है। तो ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है, ये दूरी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और इससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई वस्तु हमसे कितनी दूर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला जो होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यही होता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, या दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे चाल। तो यहाँ दूरी की जगह पे हम 2D रख के सॉल्व करते हैं, और यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल के दूरी का पता लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये कार्य प्रणाली प्रणाली जो है इसकी कार्य करती है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उनकी प्रतिध्वनि 5 सेकेंड पश्चात ग्रहण करती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी ये 8825 है, ये गलत है, यहाँ पे ये 3625 मीटर है, ठीक है। 3625 मीटर हो तो ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। यहाँ भी देखिए गलत है, ये 3625 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या दिया हुआ है उस हिसाब से गणना करते हैं। पनडुब्बी से दूरी जो है ये 3625 मीटर है, यानी 3625 मीटर दिया हुआ है डी बराबर। ध्वनि द्वारा वस्तु तक जाने तथा परावर्तित होने में लगा समय, समय यानी टी बराबर हमको दिया है 5 सेकेंड। तो ध्वनि द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी, 2 × d, तो 2 × d, ये 2 × 3625, तो ये हो जाएगा 7250 मीटर, यानी 7250 मीटर हो जाएगा 2D बराबर। ध्वनि की चाल यही निकालनी है हमको, तो यहाँ फार्मूले में रख देंगे। फार्मूले में जब हम मान रखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 7250/5, तो हमारा आ जाएगा 1450 मीटर/सेकेंड, यानी वेग आ जाएगा जो चाल है क्या है, 1450 मीटर। चलिए अगला देखते हैं, किसी धातु के ब्लॉक में दोष का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे चित्र में हम देखते हैं, बाकी ऊपर लिखा हुआ है, मैटर आप देख लेंगे ये काम कैसे करता है ये हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये कोई सामान है, अब इस सामान में बीच में कोई क्रैक है मान लेते हैं, ऊपर से हमको नहीं दिख रहा है, अंदर इसके क्रैक है, हमको पता लगाना है कि ये सामान सही है कि खराब है। तो क्या करते हैं, एक तरफ से हम पराध्वनि छोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, पराध्वनि छोड़ना शुरू करते हैं। तो जहाँ जहाँ ये ब्लॉक एकदम सही है, ठीक ठाक है, वहाँ तो ध्वनि आर पार ऐसे निकल जाती है, ठीक। देखिए यहाँ यहाँ आर पार ऐसे निकल गई, लेकिन जहाँ पे क्रैक है वहाँ पे ध्वनि ऐसे जाती है और वहीं से ऐसे वापस आ जाती है, ठीक है। जहाँ जहाँ क्रैक होगा वहाँ से ध्वनि वापस आ जाएगी, तो हमको पता चल जाएगा कि इतनी दूरी में यहाँ पे क्रैक है जहाँ जहाँ से ध्वनि वापस हो गई है। तो इस तरह से हम धातुओं में, धातुओं के अंदर या किसी भी वस्तु के अंदर अगर कोई खराबी है तो उसका पता लगाने के लिए भी हम पराध्वनि का उपयोग करते हैं, और इस तरह से यह कार्य करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, विवेचना कीजिए। चलिए पहली बात तो ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, वही ध्वनि कान हमारा सुनता है। ध्वनि जो है वो कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, कंपन करता हुआ कोई स्रोत अपने आसपास की वायु के में तरंगे उत्पन्न करता है, ये तरंगे संपीड़नों तथा विरलनों की सहायता से अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को फॉर्म करता है। द्रव्यात्मक माध्यम में संचरित होती है, यानी कोई माध्यम चाहिए, द्रव्यात्मक माध्यम चाहिए जहाँ पे ये तरंगे संचरित होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जब ये ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है हमारे कानों तक पहुंचती हैं, तो कान के पर्दे में कंपन उत्पन्न होता है जिससे हमारे कानों में श्रवणता की संवेदना उत्पन्न होती है और हमारे कान सुन पाते हैं। अब यहाँ पे जो कार्य प्रणाली है वो देख लेते हैं थोड़ा। ये सभी देखिए कान में जो ये बाहर का हिस्सा होता है हमारे, उस हिस्से को हम बाह्य कर्ण कहते हैं, उसके बीच में मध्य कर्ण होता है और आखिरी में अंतःकर्ण बोलते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, इसमें बाहरी कान कर्णपल्लव जिसको कहते हैं, यह
परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है, यानी बाहर के माहौल से जो भी तरंगे हैं उनको इकट्ठा करता है। उसके बाद कर्ण पटल झिल्ली कहते हैं, वहाँ पे ध्वनि पहुँचती है। जब माध्यम में के संपीड़न कर्ण पटल तक पहुँचती है तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है। यहाँ पे एक पर्दा होता है, झिल्ली जिस कान का पर्दा बोलते हैं, वहाँ पे दाब बढ़ने लगता है और यह कर्ण पटल की अंदर की ओर दाब डालता है। तो ये भाई दाब बढ़ेगा तो अंदर की तरफ दाब डालता है ये। इस प्रकार विड़लन के पहुंचने पर कर्णपटा बाहर की ओर गति करता है। अब ये क्या होता है, वो जो पर्दा होता है वो संपीड़न होता है तो अंदर दाब डालता है, विड़लन होता है तो पर्दा बाहर की तरफ दाब डालता है, तो पर्दे पे ऐसे कंपन होने लगता है। जब संपीड़न होता है तो पर्दा अंदर की तरफ दब जाता है, यानी इस तरह से हो जाता है, और जब विरलन होता है तो पर्दा इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई बार जब होता है तो उसको हम पर्दा हमारा कंपन करने लगता है। इस प्रकार कर्ण पटल कंपन करता है। मध्य कर्ण में विद्यमान तीन हड्डियाँ मुग्धरक, निहाई तथा वलयक, सिप्टर जिसको बोलते हैं, सिट्रप, ठीक है, सिट्रप, इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती हैं। मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचरित करता है, और आंतरिक कर्ण जो होते हैं वो कर्णावर्त बोलते हैं, द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेजा जाता है और मस्तिष्क इन ध्वनियों की व्याख्या करता है, यानी हमारे ये ध्वनियाँ क्या कहना चाह रही हैं वो हमारे दिमाग को समझ में आता है। तो इस तरह से ये कार्य करते हैं, जो हमारा कान है वो कार्य करता है। तो ये था आपका ध्वनि पाठ के जो भी अभ्यास प्रश्न थे, ये सारे अभ्यास प्रश्न आपको मैंने करा दिए हैं, समझा दिए हैं। जो मैटर है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। कहीं कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।